हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अक्षय कुमार की नागरिकता पर हो रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ केआरके और एजाज खान जैसे एक्टर्स खिलाड़ी कुमार की नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अनुपम खेर और परेश रावल जैसे स्टार्स ने अक्षय का खुलकर सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, नागरिकता वाले विवाद पर अक्षय भी सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट कर अपनी सफाई दे चुके हैं। वहीं अब लीजिए अक्षय के सपोर्ट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू आए हैं। किरेन रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्षय को लेकर लिखा, अक्षय कुमार जी, आपके देश प्रेम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपकी कोशिशें हमेशा हमारे देश के सैन्य बलों के लिए प्रेरणादायक होती हैं। जिस तरीके से आपने भारत के वीर कार्यक्रम के द्वारा शहीदों के परिवार वालों के लिए जो राशि जुटाई है, वो इतिहास में हमेशा हिंदुस्तान प्रेमियों के लिए एक शानदार उदाहरण रहेगा। वहीं किरेन रिजिजू के ट्वीट के बाद अक्षय कुमार ने भी उनके इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया और उन्हें थैंक यू भी बोला। थैंक यू सो मच किरेन रिजिजू सर, आई अपोलोजाइज फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स। प्लीज बी अश्योर्ड माई कमिटमेंट टू भारत के वीर एंड टू द इंडियन आर्म फोर्सेज वुड रिमेन स्टेडी नो मैटर वॉट। बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हुई है, तभी से अक्षय की नागरिकता पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि बीते दिन खुद अक्षय ने ऐसी खबरों पर अपना बयान दिया था, बावजूद उसके ये मामला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर ये मामला कब तक शांत होता है। नया टीवीएस रेडियो जियो बुलंद, बढ़ो बुलंद। बात करें उनके वर्क फ्रेंड की, तो वो जल्द ही मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाले हैं। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नॉर्मली होगा, अब नॉर्मल कौन सा होगा। सर कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म, मुझे अच्छा लगा। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट फिल्म, वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म, एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड द फर्स्ट टाइम एक्टर, दे हैव डन क्वाइट वेल। एंड मतलब कहीं भी ऐसे बोरियत नहीं होती, बहुत तेज जाती है फिल्म। हाँ, इमोशनल तो है, क्योंकि करण को मैंने मतलब बचपन से जानता हूँ, जब वो इतना छोटा सा था, तो उसको आज वो बड़ा हो गया है, मुझसे लंबा है, एंड इट्स गुड टू सी दैट द बॉयज आर कमिंग एंड ही इज डूइंग गुड। हमेशा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई क्रिटिसाइज करता है छोटी छोटी बातों को, जैसे कि आप कल वोटिंग नहीं करी थी। चलिए ये वाला बात कहना चाहेंगे। फैमिली मैम थोड़ा थोड़ा सा सर, राइट सर,
नहीं देगा। चलो 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 हट यार, पास में चलना पड़ेगा। हम तो साथन में चल रहे हैं। अब कुछ नहीं है, छोड़ दो, जाने दो जाने दो। कौन सी गाड़ी नंबर है? नंबर आता नहीं पता। मैं 02D 909। बहुत अच्छा लग रहा है यार, एंड भाई की और डायरेक्टर की जोड़ी बहुत अच्छी है और दे आर गिविंग गुड वर्क, सो आई एम वेटिंग फॉर भारत, कुछ अलग होगा। नहीं, मेरे को कोई नाराजगी नहीं है उनसे यार, इज ए नाइस गाय का टेका लिया गया सबको प्रमोट करने का उन्होंने यार। कुछ नहीं, बचो यार, एक्टिंग करो, कहाँ पॉलिटिशियन बन रहे। यार सोशल वर्कर अच्छे होते, नेता बन के आदमी सोशल वर्क छोड़ देता फिर। थैंक यू। मैं किसी टीम से नहीं खेल रहा हूँ भाई, आई एम हेयर टू चीयर देम अप। लाइफ में थोड़ा बिजी हूँ, अभी एक्टर है यार, थोड़ा काम। यार तेरे सवाल कसम खुदा की, ऐसे जब माताजी का दिल चाहेगा तब हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, यू नो शी इज स्वीट हार्ट, यू नो, तो ऑलवेज। बहुत अच्छा लग रहा है यार, एंड भाई की और डायरेक्टर की जोड़ी बहुत अच्छी है और दे आर गिविंग गुड वर्क, सो आई एम वेटिंग फॉर भारत, कुछ अलग होगा। नहीं, मेरे को कोई नाराजगी नहीं है उनसे यार, इज ए नाइस गाय का टेका लिया गया सबको प्रमोट करने का उन्होंने यार। कुछ नहीं, बचो यार, एक्टिंग करो, कहाँ पॉलिटिशियन बन रहे। यार सोशल वर्कर अच्छे होते, नेता बन के आदमी सोशल वर्क छोड़ देता फिर। थैंक यू। यार इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी भी 5 बहनें हैं, एंड वी ऑल शुड सपोर्ट बेटी, नॉट मी, पूरी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर अन्नू, एंड शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, इज अ गुड कॉज, यू वॉक फॉर अ गुड कॉज, यू फील प्राउड। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हैशटैग बी विद बेटी, बिकॉज बेटियाँ क्या होती है मैं जानती हूँ, मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ अपने बारे में बताया, लाइक बींग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, आई हैव डन टू मच थिंग्स फॉर माई फैमिली, आई वुड लव टू डू दैट एज वेल, एंड आई वॉन्ट ऑल द बेटीज टू डू दैट एंड मेक फील देम प्राउड, योर पेरेंट्स टू बी प्राउड एंड ऑल दैट। ओके, क्या क्या तैयारी करी है जस्ट वॉक करने के लिए आप बोल रहे हो? कुछ नहीं, नहाया धोया, सूट पहना, जेल लगाया और आ गया। और वॉक करने के लिए और कुछ? वॉक क्या, शेर चलता है तो दुनिया देखती है यार। ओह माय गॉड, पंचलाइंस काफी अच्छे। ओके, आप क्या करना चाहेंगे? ऑब्वियसली वॉक करने के लिए यू हैव टू बी लाइक, ऑरा तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव ऑरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट विल फ्लॉन्ट एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू से मच अबाउट इट। ओके, लास्टली अटायर लुक के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या खास है आज के लुक का? दिस इज अ टॉम फोर्ड एक्चुअली, सो इट्स एंड यू नो लाइक आई लव टॉम फोर्ड वेलवेट एंड आई एम लुकिंग नाइस, थैंक यू टॉम फोर्ड, थैंक यू कीर्ति राठौर, and thank you Annu, thank you world actually, you know I say thank you to everybody to make me okay, acting sikhane ke liye bahut sare schools hain, aapko nahi lagta ki production sikhane ke liye bhi schools banna chahiye jo log production seekhna chahte hain? Production ki bhi hai na, tum koi bhi course kar sakte ho yaar, ek hai business mode jo ki bahut zyada costly hai, jo
मतलब छोटे स्तर अनुपम खेर भी तो सिखाते हैं नहीं क्या है ना हर आदमी को एक्टर बनना किसको अभी पब्लिक को मालूम पड़ेगा सब प्रोडक्शन मैनेजर भी बनना चाह रहे तो फिर शायद उसके स्कूल खुलेंगे अभी तो लोगों को सीधा जाने में देखा सुबह उठ के मेरे को भी शाहरुख खान बनना है मेरे को भी सलमान खान बनना है नहीं लेकिन सर लगता नहीं आपको कि बनना चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर स्कूल प्रोडक्शन सिखाने के लिए स्कूल क्योंकि अगर जो आप कैमरे में अरे भाई रहने थे जितने उतने काफ़ी है क्यों तू लोगों को ये भाई मत आना प्रोडक्शन मैनेजर बनने हालत खराब हो जाती है वापस नहीं जा पाओगे थैंक यू यार थैंक यू सो मच